हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेशमा आज़ान किचन। पाव भाजी ये बिल्कुल ही आसान है, आप इसे घर में बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। कुछ अलग खाने का दिल हो तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, आपको थोड़ा अलग लगेगा। पाव को मस्के के साथ में फ्राई करके पाव भाजी खाने का अलग ही मज़ा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने एक कुकर ले लिया है, उसमें हमने एक टेबल स्पून मस्का डाला है। फिर हमने उसमें चार टमाटर मीडियम साइज़ के हमने लेके उसमें पहले डाल दिया। हमने एक मीडियम साइज़ का कैरेट लिया है, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फिर हमने शिमला मिर्ची लिए है। फिर हमने ये तीन बटाटे हैं, जिसको हमने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये थोड़ा सी मटर है और थोड़ा सी बीटरूट है, जिससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। कुकर में हमने एक एक करके सब चीज़ें अच्छे तरीके से डाल देनी है। आपको सब डाल के इसको चार सीटी लेना है सिर्फ, ताकि हमारी तरकारी और बटाटा सब अच्छे तरीके से गल जाए। डेढ़ गिलास पानी डालना है इसमें, और हम इसमें नमक डाल देंगे एक टेबल स्पून। अब अपने हिसाब से डाल दीजिए। फिर नमक डाल के हमने उसे अच्छे तरीके से चला के फिर उसे ढक दिया है, कुकर बंद कर दिया है। चार सीटी लेना है। चार सीटी लेने के बाद में फिर इसे आप बंद कर डालना गैस। गैस बंद कर डालेंगे आप, और फिर ठंडा करने रखिए। फिर ठंडा करने के बाद में उसे खोलिए, ताकि वो पूरी उसकी भाप वगैरह सब चली जाती है। फिर हमने उसे अच्छे तरीके से मेल्ट करने का है बटाटा और पूरी तरकारी। अच्छे तरीके से हमारी मिक्स हो गई है पूरी तरकारी। ये हमारी जर्मन की कढ़ाई है, हमने इसमें ही बनाना है। हमने दो टेबल स्पून तेल डाल दिया है, इसके ऊपर हम मस्का डालेंगे। और जब मस्का और तेल एकदम मिक्स हो जाए, फिर उसमें हमने प्याज डालना है। एक बड़ा प्याज था, हमने उसे बारीक चॉप करके डाल दिया है, और उसे अच्छे तरीके से सॉटे करेंगे। ये हरी मिर्ची है, तीन चार हरी मिर्चें, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से डाल के सोटे कीजिए, ताकि इसकी बास पूरी चले जाए लहसुन और अदरक की। इसे अच्छे तरीके से भूनना है, तब तक जब तक ये मुकम्मल पकना जाए, भूनना जाए, इसकी बास ना निकल जाए। देखिए अभी अच्छे तरीके से ये भून गया है, अब बास भी निकल गई है। फिर हमने 2 चम्मच, ये पाव भाजी मसाला है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। 2 चम्मच हमने पाव भाजी मसाला डाला, 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च का डाला, और 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी डाला है। फिर 1 कटोरी भर के हमने कोथमीर डाल दिया है। फिर हमने सारे मसाले को अच्छे तरीके से भून डालना है, अच्छे तरीके से। उसमें थोड़ा से हमने डालना है नमक, थोड़ा से आप नमक डाल दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही उसमें उबालते वक्त बॉईल करते वक्त डाला था, तो हमने उसके हिसाब से और इसके हिसाब से हमने बराबर डालना है, ज़्यादा ना कम, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर सारी तरकारी जो हमने कुकर में अच्छी तरीके से फेंट के रखी थी, उसे हमने इसमें डाल देना है, और इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। फिर हमने 1 कप के इतना पानी उसमें डाला, फिर हमने अच्छे तरीके से उसे मिलाया। फिर हमने 1 नींबू लिया है, उसको आधा आधा काट के हमने उसे भी अच्छे तरीके से उसमें डाल देना है। आधा नींबू हमने पहले डाला था, आधा हमने अभी डाला है, मतलब आपको 1 नींबू डालना है, उससे हमारी पाव भाजी बहुत ही लाजवाब बनेगी। फिर हमने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है, और जो हमने कुकर था, जो हमने भाजी सब टन की थी, उसका पानी भी हम थोड़ा लेके डाल देना है, और इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद में आप इसे अच्छे तरीके से घोट दीजिए, बारीक आँच पे इसे घोट घोट के पकाने से ये बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी। फिर हमने पैन में 1 टेबल स्पून मस्का डाला, और थोड़ा से हमने पाव भाजी मसाला डाला, और थोड़ी सी हमने लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची डाली, और थोड़ी सी में कोथमीर डाली। कोथमीर डाल के हमने उसे अच्छे तरीके से सॉटे किया, और ये स्लाइस पाव है, उसमें हमने अच्छे तरीके से उसे फ्राई कर लिया है। दोनों तरफ से, दोनों साइड से आप उसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए। हल्की आँच हो, जलना नहीं चाहिए,
बस हल्की आँच में उसे फ्राई कर लीजिए। फिर हमने भाजी को निकाल लिया है, फिर पाव भी आप उसमें डाल दीजिए और थोड़ा से कांदा काट के आप उसमें रख दीजिए और नींबू भी रख दीजिए आधा काट के। देखिए एकदम बाज़ार जैसी हो गई ना हमारी पाव भाजी रेडी। अगर आपको पसंद आया तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। और अल्लाह आपके खाने और रोज़े में बरकत दे। अल्लाह हाफिज़।